तो सोलो लेवलिंग राइज गेम के एक और नए वीडियो में तुम सभी का स्वागत है। और हमारे एक भाई ने हमारे एक वीडियो के ऊपर कमेंट किया था कि ये पहले वेपन्स में आ जाते हैं, नहीं वेपन्स में नहीं, डायरेक्ट कोडेक्स में चलते हैं, इधर आ जाते हैं वेपन्स में आ जाते हैं। तो इधर हमारे भाई ने ये कमेंट किया था कि एक भाई ने नीचे आ जाते हैं, हाँ फ्रॉस्ट वाइट फेल्शियन और उसके साथ में नागा गार्डियन ड्रैगन स्ट्राइडेंट, तो दोनों ही वाटर एलिमेंट के वेपन्स हैं, तो दोनों में से अच्छा कौन सा होगा। चलो हम लोग पहले देख लेंगे कि दोनों का जो काम है वो कैसा होता है। हम लोग पहले ये मैक्स में कर लेंगे, अब देखेंगे हर एक वेपन तुम 100 लेवल तक खींच सकते हो, याद रखना ये जो एसर वाला वेपन्स है। तो सबसे पहले इसका जो वो क्या है, व्हेन बिटर कोल्ड विंड हिट्स इट हैज़ ए 20% चांस टू फ्रीज द टारगेट। तो हम लोगों को देखो, अगर तुम ये फ्रॉस्ट वाइट फेल्शियन यूज़ करोगे तो तुम्हारे टारगेट के ऊपर 20% चांस रहेगा फ्रीज इफेक्ट यूज़ होने का, मतलब तुम्हारा जो टारगेट है वो फ्रीज हो सकता है। अब याद रखना ये 20% ही है, 100% नहीं है, मतलब हर अटैक में फ्रीज नहीं होगा, 20% चांस है फ्रीज होने का। दिस स्किल इंटरप्ट्स द टारगेट ड्यूरेशन 2 सेकंड्स, मतलब 2 सेकंड के लिए फ्रीज कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, व्हेन बिटर कोल्ड विंड हिट्स ए फ्रोजन टारगेट इट अप्लाइज द इरोशन इफेक्ट। तो हम लोगों को यहाँ पे 2 इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, एक है फ्रीज, दूसरा है इरोशन। इरोशन क्या है, इंक्रीजेस डैमेज डील टू टारगेट दैट हैव एलिमेंटल वीकनेस बाय 12%, ड्यूरेशन 12। एलिमेंटल वीकनेस मतलब जिसके ऊपर तुम ये यूज़ कर रहे हो उसका कमजोरी या फिर उसकी कमजोरी वाटर एलिमेंट होनी चाहिए, ज़रूरी है। अगर वो वाटर एलिमेंट है इसकी कमजोरी तो ये बहुत ही डेंजरस साबित होगा उसके लिए। ये क्या दूसरा इफेक्ट, तीसरा इंक्रीज वाटर डैमेज बाई 8%, ये तो वाटर का एलिमेंट होना ही था। द इफेक्ट्स ऑफ बिटर कोल्ड विंड चेंज कैन बी यूज्ड अप टू 2 times, डिक्रीजेस कूल डाउन बाई 3 seconds, हाँ डिक्रीजेस कूल डाउन ऑफ बिटर कोल्ड विंड बाई 15%, ये 4 स्टार पड़ने पर। 5 स्टार में इरोशन कैन बी स्टैक्ड अप टू 2 times और बाकी डैमेज डिफेंस वगैरह बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे। लेकिन इसका मेन जो हम लोगों को बेनिफिट मिलता है, एक फ्रीज दूसरा है इरोशन का, ये दो हम लोगों को इससे मेन चीज़ें मिल जाती है। वाटर डैमेज इंक्रीज करती है, ये भी एक है। अब हम किधर आ जाएंगे, नागा गार्डियन ट्राइडेंट्स वेपन पे, इसको हम नेक्स्ट करेंगे, ये भी 100 लेवल तक चला जाएगा। तो इधर क्या है, व्हेन यूजिंग ए बेसिक अटैक हैज़ ए 75% चांस टू क्रिएट एडिशनल वाटर एक्सप्लोजन्स इन फ्रंट ऑफ द यूज़र। मतलब देख सकते हो कि यहाँ पे तुम लोगों को जो एडिशनल 75% चांस मिल जाएगा वाटर एक्सप्लोजन क्रिएट करने का। अब देखो यहाँ पे मैं तुम्हें एक सिमिलर सा मतलब बेसिक सा डिफरेंस बताता हूँ दोनों के बीच में। जो फ्रॉस्ट वाइट फेल्शियन है वो तुम यूज़ कर सकते हो अगर तुम्हारे सामने एक सिंगल एनिमी आया है, बहुत बड़ा कोई बॉस वगैरह टाइप का है, उसका और उसका जो एलिमेंटल डैमेज है तुम वाटर के अगेंस्ट वीक है, तो उसके खिलाफ तुम यूज़ कर सकते हो। ये होगा पहला फेल्शियन को यूज़ करने का तरीका। और अगर तुम यूज़ कर रहे हो ये जो ट्राइडेंट है, नागा गार्डियन ड्रैगन ट्राइडेंट, ये तुम यूज़ कर सकते हो जब तुम्हारे साथ में बहुत सारे एनिमीज झुंड में आए हैं और उनका शायद वाटर उनका वीक पॉइंट है, झुंड में आए हैं, तब ये देख सकते हो 75% चांस टू इंक्रीज क्रिएट एडिशनल वाटर एक्सप्लोजन्स। अब एक्सप्लोजन का मतलब है, मतलब तुम्हें पता है कि क्या होता है इन फ्रंट ऑफ यूजर। व्हेन यूजिंग नागा वेव कटर क्रिएट्स एन एडिशनल 3-pronged वाटर एक्सप्लोजन, इंक्रीजेस वाटर डैमेज बाई 8%, वहाँ पर भी 8 था। व्हेन यूजिंग ए कोर अटैक क्रिएट्स ए एडिशनल 3-pronged वाटर एक्सप्लोजन। देखो कोर अटैक का मतलब वो होता है जो अल्टीमेट टाइप का आता है, वो वाला वो होता है कोर अटैक। तो हो गए, इट डिक्रीजेस द कूल डाउन ऑफ नागा वेव कटर बाई 15%, ठीक है, जो मेन इंस्का अटैक है वो वाला। व्हेन नागा वेव कटर इज यूज्ड अप्लाइज द नागा गार्डियन इफेक्ट, यहाँ पे हम लोग का भी पहला इफेक्ट देखने को मिला, नागा गार्डियन इंक्रीजेस द यूजर्स वाटर डैमेज बाई 12%, इंक्रीजेस द यूजर्स अटैक स्पीड बाई 12%। देखो तुम्हारा वाटर डैमेज अटैक स्पीड यूज़ कर देगा, ये अच्छी चीज़ है नागा गार्डियन, बाकी सब वो अटैक डिफेंस एचपी ये सब बढ़ाते रहेंगे। देखो उधर तुम्हें जो फेल्शियन है, फेल्शियन में तुमको मिल जाएगा 2 इफेक्ट, एक फ्रीज और दूसरा इरोशन, यहाँ पे मिलेगा नागा गार्डियन इफेक्ट। तो फेल्शियन तुम यूज़ कर सकते हो जहाँ पे तुम लोगों को, मतलब जो एनिमी तुम्हारा कुछ ज़्यादा ही तेज़ है, तेज़ी नाल है, उसको तुम्हें रोकना होगा, फ्रीज करने की ज़रूरत है, उसके खिलाफ यूज़ कर सकते हो। दूसरे नागा गार्डियन तुम झुंड के खिलाफ यूज़ कर सकते हो, कुछ ऐसे गेट्स आते हैं या फिर स्टोरी में कुछ ऐसे मोड्स मतलब जगह है जहाँ पर तुम लोग को झुंड में बहुत सारे एनिमीज आते हैं, उनको जल्दी से मारने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर ये बेस्ट रहेगा। और बाकी फर्स्ट फैल्कन वहाँ पर बेस्ट रहेगा। अब मैं तुमको ये बता दिया कि दोनों किस काम के लिए लगते हैं, लेकिन पर्सनली अगर लास्ट में बोलूँगा मुझे कौन सा पसंद है तो मैं फर्स्ट वाइट फेल्शियन के साथ जाऊँगा, क्योंकि इस पर हम लोग को 2 इफेक्ट्स मिल जाते हैं, एक फ्रीज का हो जाता है और दूसरा इरोशन का हो जाता है। तो यही थी। तो देखो अगर तुम्हारा कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आके बोल सकते हो, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद है तो एक लाइक कर देना, बाय।